सीएए के बिना ही गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी भारत की नागरिकता, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आइए आपको भी बताते हैं पूरा मामला। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मचे बवाल के बाद अब गृह मंत्रालय की तरफ से एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गृह मंत्रालय ने 28 मई को एक गैजेट जारी किया है, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए हैं। इस गैजेट में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध जैसे गैर मुस्लिमों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी नए सीएए के कानून के तहत नियम तैयार नहीं है। सीएए के कानून के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया था, लेकिन इसके नियम अभी तक तैयार नहीं है। आपको बता दें कि आजाद भारत के इतिहास में ये पहला मौका है जब सरकार धर्म के आधार पर नागरिकता आवेदन मांग रही है। ये एक प्रकार से भारत की अनेकता में एकता वाले ढांचे पर हमला है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने जिस नाकामी का परिचय दिया है, उसके बाद से वो लगातार देश की जनता के निशाने पर है। लाखों लोग कोरोना की दूसरी लहर में बद इंतजामी की भेंट चढ़ गए। जिस दौर में सरकार को कोरोना से लड़ना था, सरकार उस मुश्किल वक्त में पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही थी। माना जा रहा है कि आम लोगों के गुस्से को देखते हुए सरकार अब चाल पर चाल चलने लगी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थियों से नागरिकता आवेदन मांगकर सरकार ने देश में एक बार फिर से हिंदू और मुस्लिम ध्रुवीकरण की शुरुआत कर दी है, ताकि कोरोना से हुई मौतों से लोगों का ध्यान हट जाए और एक बार फिर से लोग हिंदू और मुस्लिम की बहस में उलझ जाए। ये भाजपा और मोदी सरकार का सबसे सटीक, अचूक और आजमाया हुआ पैंतरा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में लोगों को जमकर धर्म की अफीम चटाई गई है। इस खबर में बस इतना ही। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि हर जरूरी खबर आप तक पहुंचती रहे।